सहमत नहीं करता। देखिए आज जो मामला हुआ है वाकई दुखद है, और न सिर्फ जैसे जी बल्कि कोई भी आदमी आज पुलिस कस्टडी रे मीना न्यायिक हिरासत रे मीना जब एडी घटना हुए तो आदमी क्या मत भरोसा प्रशासन की लापरवाही री वजह मीना एक घर रे मीना चिराग बुझी 25 साल रो एक नौजवान एक्सपायर आप रे भाई रे गोदी रे मीना को एकदम तोड़ी आखिरी सांसा। और आज सुबह 8 बजे रे घटना हुई है, हाल तक 6 बजे तक कोई तरीके रो एक्शन नहीं ली होगी प्रशासन द्वारा, प्रशासन की घोर लापरवाही। और मारो पाछो है इस निवेदन रहेगा, मैं लोग भी को नहीं चाहूँगा कि कोई तरीके लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच हो, कोई आदमी यहाँ को नहीं चाहे कि साहब डेथ बॉडी रोक कर रहा, पर जब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुए जितने तक माना मजबूरन बैठना पड़े, और समय रहते अगर कोई ठोस डिसीजन नहीं हो तो आने वाले टाइम में पापड़ा होगा। आपकी क्या मांगे क्या थी? जो जाहिर सी बात है कि जो आरोपी है उम्र के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हुई ना आप निलंबित करो और जांच कराए, दूध और दूध पानी पानी करो, वे आदमी ना न्याय। अच्छा तो क्या जिला प्रशासन का क्या कहना? जिला प्रशासन प्रशासन कह रहा है कि साहब बात कर रहे हैं पर आखिर बात कदे तक कर रहे हैं। सुबह 8 बजे रही घटना है, आज शाम 6 बजे है, अबार तक अगर थे बात ही कर रहे हो तो मन लागे ए भी किए दिन के फोर लापरवाही। अगला कदम क्या रहेगा? बिल्कुल मैं धरने रमा तो बैठा और आउन टाइम रे मिलना मां पड़ा। क्या प्रथम दृष्टया सामने आया है एक बंदी की जिला कारागृह में मौत हुई है, क्या कुछ मामला संज्ञान में आया है? अधिकारियों से भी वार्ता हुई है तो क्या कुछ उन्होंने कहा? मैं आपने बतानी चाहूँ कि आज सुबह 25 साल की उम्र रहा स्वर्गीय जय सिंह जी जिला कारागृह मीना मृत्यु हुई। आप सोचो कि एक आदमी जो पिछले 8-10 दिन बीमार था वहाँ ना कोई तरीके की चिकित्सा सुविधा को नहीं मिली, और संगम दुखद घटना यह है कि एक भाई रे हाथ मीना आप रे छोटे भाई री मृत्यु होते हुए देखे पड़े हो, चिल्लाए पड़े वहाँ हिला करे आइए ना प्रशासन रे लोगा ना तमाम डॉक्टर्स ना जेल प्रशासन ना गुहार लगाई कि आप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराओ, आप डॉक्टर ना बुलाओ, और फिर भी प्रशासन री लापरवाही री वजह मीना कोई तरीके री चिकित्सा सुविधा को नहीं मिली और जय सिंह जी मृत्यु हुई। और मृत्यु होने रहे घंटे पर बाद डॉक्टर आठे पहुंचे और अब आप लीपा पोती करे जावे। आप सोचो कि मैं सुबह कलेक्टर साहब ने और एसपी साहब ने फोन करे अवगत कराना पड़े कि इतनी मोटी घटना हुई है। आज हीट वेव रे मीना ये गर्मी रे मीना जित आम जन कूलर एसी रे मीना भी चैन मीना को नहीं बैठ पा रहा, वे दौरान में एक आदमी बीमार है और वहाँ ना कोई तरीके री मेडिकल फैसिलिटी को नहीं दी जा रही है। वो तो कहाँ कि साहब ए यार इरादे रे भेड़ो एक हत्या है, जो भी अपराधी है वहाँ ना सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अबार एक लेटर कलेक्टर साहब ने माध्यम मीना स्टेट ना भी पहुँचाए हुए, अगर समय रहते दोषियों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं हुए तो मैं काले माह पड़ाव दे हूँ, और साथ ही साथ जितने तक वहाँ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जितने तक यह धरना जारी रहे। सर प्रतिनिधित्व मंडल है उसने जेल के अंदर भी गया है, वहाँ की वास्तविक की जो स्थिति है वो भी जानी है, तो वहाँ क्या कुछ चीज़ें सामने आई? देखिए सर प्रतिनिधिमंडल जो जेल में मीना गयो वहाँ जो स्थितियाँ देखी हो वाकई दुखद हती। आप सोचो कि 150 की कैपेसिटी वाली जेल में मीना 250 लोगों ना जबरदस्ती जानवरों की तरह ठूसड़ा है, आज वो कैदी भी पहले एक इंसान है, उंगारा भी फंडामेंटल राइट्स है, उंगा मानवारा भी मानवाधिकार है, पर सब चीज़ा ना साइड में देखते हुए नज़रअंदाज करते हुए लापरवाही रे भेड़ो ए तो मोटो करते हुए है। और मारो निवेदन स्टेट में ना कि वो संवेदनशीलता दिखा और जो भी आरोपी है उंगार खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करवाए। तो ये एसटीएम साहब और यहाँ बैठे थे, ये क्या वार्ता हुई और क्या आपने आप सोचो कि सुबह 8 बजे ये मामलों संज्ञान में आयो है और हमें 4:15 होना ही है, लगभग 8 घंटा बाद में हमें लोग क्या है कि मैं कार्रवाई कर रहा लारला 8 घंटा मीना परिजन है और तमाम है जितना भी लोग है ये धूप रे मीना तपती धूप रे मीना 50 डिग्री टेम्परेचर रे मीना बैठा है, पर प्रशासन आज भी अबार भी आंख मूंद रे बैठे हो, अगर समय रहते वहाँ आरोपियाँ ना वहाँ अपराधियाँ ना उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं की जावे
तो प्रशासन भी तैयार है और ये तमाम जितनी भी घटनाक्रम हुए पूरे जिम्मेदार प्रशासन है। जब तक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुए, जब तक मैं सब ये थी जाऊँ, धरना यथावत जारी रहे।